अब देखिए ये इस तरह के अगर आप इसको फोल्ड करोगे तो ये फॉर्म ऑफ क्यूब बनेगा लेकिन कोई भी जो है ऐसे स्क्वायर हैं वो फोल्ड करने पर क्यूब नहीं बनते हैं जब वो क्यूब नहीं बनते हैं तो वो नेट नहीं कहलाते हैं नेट ऑफ अ थ्री डायमेंशनल शेप इज द आउटलाइन ऑफ इट्स फेस जॉइंट टुगेदर फ्रॉम विच द शेप कैन बी फॉर्म नेट वो थ्री डायमेंशनल शेप है जिसकी आउटलाइन को हम जब जॉइन करते हैं उनके फेसेस को ज्वाइन करते हैं तो वो एक शेप फॉर्म होता है जो कि क्यूब का रहता है यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी भी दी हुई है आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं किस तरह से क्यूबॉइड और क्यूब को हम नेट का फॉर्म दे सकते हैं ये एक्टिविटी आपको खुद करनी है ओके नेट्स ऑफ अ पिरामिड ट्रेंगुलर ट्रामेट टेट्रोड्रॉन ही कट इट ओपन टू सीरीज अगर हम इसको कट करते हैं तो इस टाइप का फॉर्मेशन आपको मिलता है तो जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये इस तरह का बन जाएगा दैट मीन्स ये क्या है हमारा नेट्स इसकी कितने फेसेस हैं वन टू थ्री फोर फोर एजेस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन वटाइस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इस तरह से हम इसका नेट बनाते हैं। ये देखिए सिलेंडर का नेट है इसको जब आप फोल्ड करोगे तो ये सिलेंडर का फॉर्मेशन होगा इसको आप फोल्ड करोगे तो ये क्यूब का फॉर्मेशन होगा तो दैट मीन्स ये जितने भी नेट फिगर हैं ये इनके नेट फॉर्म है ओके सेल्फ प्रैक्टिस इलेवेन बी फॉर ईच नेट नेम द थ्री डी शेप ये जो नेम नेट दिए हैं नीचे आपको इनका नाम लिखना फर्स्ट देखिए क्या है हमारा क्यूबॉइड नेक्स्ट स्क्वा पिरािड थर्ड ट्रैंगुलर प्रेस ये आपको नोटबुक में लिखना है और फिगर भी पेंसिल से ड्रॉ करना है क्यूब मैज द कॉलम क्यूबॉइड अब देखिए क्यूबॉइड में आपको पता है रेक्टेंगल रहता है रेक्टेंगल कहाँ पर है हमारा फर्स्ट नो सेकेंड थर्ड फोर्थ रेक्टेंगल भी है और हमारे कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स फेसेस होते हैं क्यूबॉइड में आपको पता है दैट मीन्स फोर्थ ट्रेंगुलर प्रेस ट्रेंगुलर प्रेस में देखिए आप ट्रेंगुलर प्रेस में एक प्रेस में रहता है बाकी टू फेसेस रहती हैं तो फर्स्ट सिलेंडर सर्कुलर फेस आपका कौन सा से है सेक्स आपको ऐसे भी दिख जाता है क्योंकि सिलेंडर में पता आपको दो सर्कल रहते हैं तो वो इजीली पता चल जाता है क्यूब फिफ्थ स्क्वायर पिरामिड थर्ड एक ही स्क्वायर दिख रहा है आपको ट्रेंगुलर पारामिट ट्रेंगुलर पारामिड देखिए कौन सा है आपका सेकेंड एंड कौन लास्ट इज सेवेंथ या एक्सरसाइज एक यहाँ पे खत्म होती है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ आपको नोटबुक में नहीं लिखना है पर यू कैन प्रिपेयर इन एग्ज़ाम एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है इनसे तो आपको प्रिपेयर करना है आपको नोटबुक में लिखने की जरूरत नहीं है अट्रेंगुलर पिरामिड हैज डैश एजेस ट्रेंगुलर पिरामिड में कितनी एजेज होती हैं फाइव इफ देर आर नाइन स्क्वायर ऑन ईच फेस ऑफ रूबिक क्यूब हाउ मैनी स्क्वायर आर देयर इन ऑल आपको पता है नाइन स्क्वायर रहते हैं रिबिक में लेकिन स्क्वायर कितने रहते हैं उसमें तो कितने रहते हैं फिफ्टी फोर नाइन सिक्स फिफ्टी फोर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड हैव एट वर्टाइसी किसके एट वर्टाइसिस होते हैं रेक्टेंगुलर प्रेस अ फायर एक्सटेंशर इज एन एग्जाम्पल ऑफ किसका एग्जाम्पल है

Sorry, is the prism has two bases. A museum needs a sculpture that has a curved lateral surface and one flat circular base. It what should the sculpture P 7 cone. Which of these elements is not true about a cylinder? It has two circular base. It has a curved lateral surface. इट हैज अ सॉलिड फिगर इट इज अ पॉलीहेड्रॉन डी क्योंकि कर्व लेटरल सरफेस भी है सॉलिड फिगर भी है और टू सर्कुलर बेस भी है अ ग्लास प्रेस रिफ्लेक्ट वाइट लाइट इज अ मल्टी कलर बैंड ऑफ लाइट कॉल्ड अ स्पेक्ट्रम द हैज फाइव ग्लास फेसेस नाइन एजेस एंड सिक्स वर्टाइज व्हाट काइंड ऑफ प्रेस इज एट कौन सा प्रेस होगा वो ट्राइंगुलर प्रेस शोन अलोंग इज अट ऑफ अ सॉलेट आइडेंटिफाई द सॉलेट कौन सा है ये पैरामेड टेंथ सी पैरामिड विच ऑफ द फॉलोइंग नेट कैन बी फोल्डेड टू मेक अ क्यूब कैन नाट किस को बनाने पर क्यूब नहीं बनेगा सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेट ऑफ सिलेंडर ट्वेल्थ सी ओके okay, ये आपको रिवाइज करना है आपको नोटबुक में करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया और आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है